और जीते हुए को फिर जज साहब ने कर दिया। अब ईद के बाद लगेगा और इंशाल्लाह ये फैसला यही हतमी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई अख्तियार नहीं होता है रिकाउंटिंग या किसी मामले में मुदाखलत करने का। जब फाइनल कंसोलिडेशन हो जाती है, जब हल्फ ले लेता है एमएनए, जब नोटिफाई कर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब ट्राइब्यूनल बन जाते हैं, तो फिर आर्टिकल 225 में एक ही रास्ता है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अगर किसी को शिकायत है तो वो अपनी नालिश लेकर जाए। तो ये आज के केस की बात थी। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई हुई है, हम समझते हैं कि इस वक्त जो है अदलिया, इस वक्त अदलिया ऑन ट्रायल है, इस वक्त जो है निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और आपने देखा कि जो छः जज साहबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छः जज साहबान ने जो मरासला लिखा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो फुल कोर्ट के सामने रखा और फुल कोर्ट में उन्होंने पहले दिन जो मशावरत की उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। हमें शदीद इख्तलाफ है चीफ जस्टिस को किसी कीमत पर भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि हमारे पास नज़ीर मौजूद है। पहला जो वज़ीर आज़म थे लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि कायदे आज़म के दस्ते रास्त थे और आज़ादी के हमारे अलम्बरदार थे, उन्होंने जब सर अब्दुल रशीद पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर में आए हुए थे सर्किट पर, तो लियाकत अली खान ने इस्तदा की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान उस वक्त एक ही होता था, तो इतने जय्यद किस्म के वज़ीर आज़म ने इस्तदा की कि मैं चीफ जस्टिस से मिलना चाहता हूँ। यानी ये अदरवाइज एजाज समझा जाए, लेकिन देखें उस अजीम शख्स की, सर अब्दुल रशीद की, उसने इनकार कर दिया मिलने से। और सेक्रेटरी ने जवाब लिखा कि देखें सरकार की जानिब से और सरकार के खिलाफ हमारे पास मुकदमात लगे हुए हैं सर्किट में, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा शायबा अवाम के अंदर आए कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की वजह से मुकदमात पर असरअंदाजी हुई है, किसी साहिल का हक जो है वो उसके ताबे आ गया या उसके असरात में जो है उसको नालिश नहीं मिली है। सो माजरत कर दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। और यहाँ तो भाई इल्ज़ाम ही वज़ीर आज़म पर था, यहाँ जो छः जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उन्होंने ये लिखा कि एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट हमारे अदालती मामलात पर असरअंदाज हो रही है, और उन्होंने मिसालें भी दी। और शौकत सिद्दीकी साहब जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, अगरचे वो रिटायर हो चुके थे, उसकी उन्होंने तायीद की कि उन्होंने जो कमीशन मांगा है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसलिए कि वो असरात ख़त्म नहीं हुए। शौकत सिद्दीकी ने कहा था DGISI और एस्टैब्लिशमेंट मेरे ऊपर, यानी उनके ऊपर जो है जज साहब पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, मन पसंद अपनी बेंचेस बनाती है, मन पसंद फैसले यहाँ से लेने की कोशिश करती है, हावी होती है। और ये जब उन्होंने कही तो बजाय इसके कि उस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उल्टा उनको छुट्टी करवा दी, उन्हीं को जो है डिसमिस करवा दिया, जज साहब को जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे। तो अब आगे जब काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस ने उनकी वो जो पटिशन उन्होंने कर रखी थी उसको एक्सेप्ट करके कहा कि ये बदनीयती थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, लफ्ज़ ज़रा देखें, बदनीयती थी और कोरम नॉन जुडिस था, इसलिए उनको बहाल किया जाता है। लेकिन चूंकि वो रिटायर हो चुके थे, बाकी उनकी मराहत मिली और वो रिटायर्ड जज तसव्वुर होंगे, डिसमिस नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने, शौकत सिद्दीकी ने कहा था कमीशन हो और इस पर उनको करार वाके सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसी घोंडी हरकत करके निज़ाम अदल पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो बजाय इसके कि उन पर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब जजेस ये नालिश मांग रहे हैं कि जी करें, तो फिर मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव पर इल्ज़ाम है और चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव के हेड को मुलाकात करके और उसे कमीशन कह रहा है बना दो। तो कमीशन पर जो बनाई गई है कि सिंगल रिटायर्ड जज, और रिटायर्ड जज की तो भाई चपड़ासी भी मुंह फेर लेता है, रिटायर्ड जज की हैसियत क्या होती है, वो सिटिंग छह जजेस के खिलाफ जो है कैसे इंक्वायरी करेगा। खैर मैं उसमें इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि
चीफ जस्टिस फॉर्मर साहब का चीफ जस्टिस जो है अपना जिलानी साहब ने उन्होंने खुद जो है इनकार करते हुए उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा। एक तो उन्होंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन में नहीं आता कि इस किस्म की कमीशन बनाए, और दूसरा उन्होंने कहा ये टी ओ आर भी बदनीयती पर मबनी है, और उन्होंने अपना इनकार कर दिया कि ये जजेस ही सुप्रीम कोर्ट का इसको बेहतर तौर पर देख सकते हैं क्योंकि ये सर्विंग जजेस के बारे की एक शिकायत है, और जो शिकायत में उन्होंने निज़ाम अदल के बारे में लिखा है इसकी तसही और इसका जो है तदारक करना ये जुडिशरी ही के अपने दायरे में आता है, लिहाजा जुडिशरी ही अपने जजेस को भी तहफ़ दे और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को निज़ाम अदल पर जो है उनको आज़ादी इंडिपेंडेंस जो है ऑफ दी जुडिशरी को इंश्योर करे, क्योंकि ये आइन की रूह वगैरह मजरूह हो जाती है अगर निज़ाम अदल जंजीरों में जकड़ा जाए जिस तरह से किया गया है। और हमारे मौकफ की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के मौकफ की इसलिए तायीद और तकबीयत मिलती है क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये फैसले कोई और हो कर रहा है, किसी कहीं और से हो रहे हैं। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, तीन मुकदमात में ऊपर नीचे उनको जो है जिस तरीके से बुलडोज करके सजाएं की गई, वो भी डॉक्टर थी, इंजीनियर थी, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कब तक चलेगी? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही संगीन मसला है, इस पर मैं समझता हूँ कौम भी यकजा है। और ये खुशाइन बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो 29 के लिए अगरचे देरी कर दी, तारीख लंबी कर दी, लेकिन उन्होंने ये इंदिया दिया है कि फुल कोर्ट सुनेगी यानी पूरे जजेस सुनेंगे। मगर एक और चीज़ देखें, यहाँ जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज आपने देखा सारे अखबारों में भरा हुआ है कि चीफ जस्टिस जो है खैबर पख्तूनख्वा वो मरासला लिख रहा है चीफ जस्टिस को कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा चार नशिस्तें खाली हैं, चार सीटें सुप्रीम कोर्ट की असामियां खाली हैं, और अफगान साहब को ले लिया गया है जबकि मैं दूसरे नंबर पर हूँ सीनियर मोस्ट में, मेरा नाम तक जो है इसमें मौजूद नहीं है जो कंसिडर हो रहे हैं। तो अगर आप अपने जजेस को भी इंसाफ नहीं फराहम करते, और उन्होंने कहा आपने अपने सूबे से आपने जज सुप्रीम कोर्ट ले लिया है जबकि हमारी महरूमियां बदस्तूर कायम है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि न सिर्फ अपने जजेस को वो इंसाफ फराहम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बाकी की असामियाँ जो खाली हैं वो मेरिट पर ली जाएंगी, बल्कि ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल को भी वो इन जंजीरों से छुटकारा दिला के पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वो यकीनी बनाएंगे और आइन की रूह को बहाल करेंगे। थैंक यू सर। ये जो लेटर्स वाला इशू है, हाँ देखें, एक और बड़ा संगीन मसला है कि जब से ये जो है आश्कारा हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इस इशू को लिया और सारे पाकिस्तान में बारों ने बड़े सख्त करारदादें और बड़ा सख्त इसका मजम्मत किया, तो अब एक नया काम शुरू हो गया है कि एक खतूत भेजने शुरू कर दिए हैं जजेस को, और उन खतूत में एक पाउडर है, और वो पाउडर अगर आप गलती से खोल लें तो आपके आंखें, आपका जिस्म, आपका सारा ये उबल जाएगा, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी अगर आप इसको यकदम खोलकर और आप इसको जो है वो सूंघ लें या इसको आ जाए। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि पहले चीफ जज साहिबान खुद नहीं ये खोलते, ये उनके पीए और सेक्रेटरीज और उनका जो है स्टाफ के पास पहले जाता है, वो उसकी जो है खोल के देखते हैं और उसके बाद वो पुटअप करते हैं, तो ये बरवक्त जो है ये हो गया। लेकिन अफसोसनाक ये बात है कि किसने भेजे, कौन भेज रहा है, उसका मकसद क्या है, क्या जजेस को मजीद खायफ करने के लिए ये किया जा रहा है, क्या जजेस को इंटिमिडेटरी एक और टैक्टिक है जिसके जरिए जजेस को ये मरऊब करके जो है गुलामी मुसलत करने की एक काविश है। और पहले ही भाई इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है, खुदा रहा इस मुल्क में लोगों को सांस लेने दो, जजेस को अपना जो है आजादाना तौर पर फैसले करने दो, हम यकीनी बनाएंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंशाल्लाह, हम पार्लियामान के अंदर भी इसको जो है उजागर करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी उजागर करेंगे,
और काला कोट इसका तहफ्फुज़ करेगा और काला कोट इस पर यकजा है और इंशाअल्लाह हम सीसा पिलाई दीवार बन के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आओ भाई मुझे बताओ, शौकत सदीकी ने ये उजागर किया था ना, क्या हशर हुआ था, उसी को निकाल दिया था उल्टा। ये अब जज साहब, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, शौकत सदीकी को बहाल किया, उसके बाद जजों ने ये लिखा है। जाहिर है उससे पहले अगर वो लिखते तो उनका हाल भी वो शौकत सदीकी वाला होता, इसलिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने, जिसमें चीफ जस्टिस, दो सीनियर जजेस और दो सीनियर चीफ जस्टिस, पांच एक इदारे ने उन्हें निकाला था और ये फैसला दिया था कि आप एजेंसीज के खिलाफ इस तरह से पब्लिकली बात ना करें, तो फिर ये कैसे कर सकते थे। तो ये जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो फिर तायिद करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की उन्होंने दिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं।